नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। लांजी, प्रधानमंत्री के उद्बोधन के बाद लांजी सामुदायिक केंद्र लांजी में पहला टीका सफाई कर्मचारी भुनेश किरणापुरे को लगा। टीके लगने के दौरान रमेश भटेरे, जिला अध्यक्ष भाजपा अनुविभाग अधिकारी राजस्व रविन्द्र परमार, तहसीलदार आरपी मार्को, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप गेडाम एवं सभी स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। ये तो हम सभी लांजी वासियों के लिए, लांजी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी शिवराज जी की सरकार को, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिला प्रशासन को कि उन्होंने वैक्सीनेशन के इस विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में बालाघाट जिले में सिर्फ दो स्थानों को चयनित किया गया, जिसमें एक बालाघाट मुख्यालय और दूसरा हमारा अपना लांजी अस्पताल को चयनित किया गया। इसके लिए मैं अपनी सरकार को और जिला प्रशासन को बहुत बधाई देता हूँ। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के उन समस्त तमाम वैज्ञानिकों का हम बहुत दिल से आभार व्यक्त करते हैं और उन सबको और उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना दिन और रात मेहनत करके दुनिया के इस सबसे बड़े वैश्विक महासंकट से निजात दिलाने के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया और उन सब वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत का ही आज यह परिणाम है कि कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट की, कोरोना जैसे दुर्लभ बीमारी का आज जो है वैक्सीन जो है लोगों को लग रहा है। आज हमारे लांजी तहसील में लगभग 400 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना है, जिसमें आज प्रथम दिवस 100 लोगों को लगना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई किरणापुरे जो कि लांजी के निवासी हैं, आज उनका भी टीकाकरण के अंतर्गत आज उनसे शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से कोरोना वैक्सीन कोरोना की बीमारी को दूर करने के लिए, कोरोना को भगाने के लिए कारगर वैक्सीन होगी। बहुत से लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार भी किया गया कि यह जो वैक्सीन है यह वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन नहीं है, सरकार झूठा फायदा लेने के लिए इसे कोरोना वैक्सीन का नाम दे रही है, लेकिन आज सच्चाई हम सबके सामने है कि बहुत हमारे देश के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम से आज हम इस कोरोना पे विजय पाने की दिशा में एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और एक बार पुनः जिला प्रशासन का और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए बालाघाट के साथ साथ लांजी जैसी एक छोटी जगह को चुना, इसलिए जिला प्रशासन एवं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बधाई बहुत शुभकामनाएं। ठीक, वैक्सीन लगा है ये बालाघाट और लांजी जिले में, सभी तैयारी आपके द्वारा की गई थी, कैसी पूरी तैयारी और क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? हमारे यहाँ तो पहले से ही पूरी तैयारी की जा चुकी थी। जो है पूर्वाभ्यास हमने हमारे जितने भी वैक्सीन के जो यहाँ पे टीम के सदस्य हैं उन लोगों को जो है ट्रेनिंग दे दिया गया था, तो सारे लोगों को पहले से ही जो है मतलब ट्रेन कर दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है तीन इसमें चैम्बर बने, मतलब कमरे हैं, एक वेटिंग रूम है, एक वैक्सीनेशन रूम है और तीसरा जो है ऑब्जर्वेशन रूम है। और इसमें पांच लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं और पांचों को अच्छे से हमने उसको ट्रेंड कर दिया। तो अभी जैसे वैक्सीन लगा है, लग के कुछ मिनट हुए हैं, तो ऐसा कब कोई चीज़ सामने आ रही है कि जो जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उन्हें कोई परेशानी हो रही हो? नहीं नहीं, अभी जब से वैक्सीन लगा है तब से अभी तक तो कोई परेशानी नहीं आई है। ऐसा मतलब वैक्सीन के बाद में ऐसे कोई दिशा निर्देश आए कि इनको क्या तकलीफ हो सकती है? हाँ, वो सामान्य से जो प्रतिकूल प्रभाव है, जैसे वैक्सीन के बाद में जो जहाँ पे वैक्सीन लगा है वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन आ सकती है, हल्का बुखार आ सकता है, ये सामान्य प्रतिकूल प्रभाव है, ये हर किसी को होगा, ऐसा होना सामान्य बात है और इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लांजी से खबर समय जगत के लिए रूपेश राप्ती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.